पॉइंट और एक्सिस और प्लेन हो सकता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जो उसको डिफरेंट इक्वलेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ध्यान रखिए, डिफरेंट इक्वलेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सिमेट्री की बात हम तभी करते हैं, ऐसा कोई एक्सिस होगी, ऐसी कोई प्लेन होगी जो उस मॉलिक्यूल को डिफरेंट इक्वलेंट पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिसमें इक्वलेंट पार्ट बनते हैं उनको हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोल देते हैं, और जिस वजह से वो बन रहे हैं उनको हम सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ शेप्स दी हुई हैं, आप देख सकते हो, तो इन मॉलिक्यूल्स को हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ये देखने में भी एक तरह से अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप की बात करते हैं। तो इसमें हम इस तरह से मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया होता है, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि उसके पास कौन सा सिमेट्री एलिमेंट है, किस बेसिस पे वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। तो उसके बेसिस पे हम उन मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। तो इस तरह से हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से एलिमेंट्स रहेंगे और किस तरह से उनके बेसिस में हम डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे उनको डिवाइड कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर सिमेट्री की बात करते हैं और पॉइंट सिमेट्री की बात करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें रहेंगी। पहले तो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं और सेकंड रहेगा सिमेट्रिक ऑपरेशंस। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम जो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं और सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनको हम टूल्स बोलते हैं। टूल्स मीन्स कि जिसकी हेल्प से हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ हैमर और सीजर का। जैसे कि आपको पता है हैमर से आप क्या करते हो, किसी भी नेल्स को, कील को ब्लॉक के अंदर डाल सकते हो, ठीक है, बॉल ब्लॉक के अंदर घुसा सकते हो। तो उसको हम ऑपरेशन बोल रहे हैं। हैमर जो था वो सिमेट्री का एलिमेंट्स था जिसकी हेल्प से हमने कील्स को ब्लॉक के अंदर कर दिया। तो ब्लॉक के अंदर जो कर रहे हैं हैमर्स की हेल्प से उसको हम ऑपरेशन बोल रहे हैं, वो उसका काम है। उसी तरह से हम सीजर की बात करते हैं, तो सीजर क्या है, सिमेट्रिकल एलिमेंट्स है, मीन्स कि वो टूल है, सिमेट्रिकल टूल है, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कटिंग, कटिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। तो जो कटिंग है दैट इज सिमेट्रिकल ऑपरेशन, और जो टूल है दैट इज सीजर। तो उसी तरह से सिमेट्रिकल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, इस तरह से एक सिमेट्रिकल टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम सिमेट्रिकल ऑपरेशन को करेंगे, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं, सिमेट्रिकल ऑपरेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सिमेट्रिकल ऑपरेशन क्या होगा कि एक टूल को हमने यूज़ किया और उससे पर्टिकुलर काम ले रहे हैं हम, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिमेट्रिक ऑपरेशन। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, एक स्क्योर को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो हमारे पास जो ऑरिएंटेशन आ रही है वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट दैट ऑफ ए। इसमें ए और बी बन रहे हैं, ए और बी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही हमें सेम दिख रहे हैं। तो इट मीन्स कि ऑरिएंटेशन ए इज इंडिस्टिंग्विश फ्रॉम ऑरिएंटेशन बी बट नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल। बेशक दोनों ही जो हमारे पास ऑरिएंटेशन हैं वो सेम है बट आइडेंटिकल नहीं होंगी, ठीक है। तो मैं इस तरह की इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हम इक्वलेंट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और मैं इस चीज़ को दोबारा से मेंशन करता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कि हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स में सिमेट्रिकल एलिमेंट्स और सिमेट्रिक ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं जिन मॉलिक्यूल के पास मोर देन टू और टू इक्वलेंट एटम होते हैं। जिन मॉलिक्यूल के पास दो इक्वलेंट एटम होंगे और मोर देन टू इक्वलेंट एटम होंगे उन्हीं में हम सिमेट्रिक ऑपरेशन लगा सकते हैं, और जिन मॉलिक्यूल के पास एक भी इक्वलेंट एटम नहीं होता है, मन की सारे ही डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो इक्वलेंट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने बोला आइडेंटिकल नहीं होगी वो, तो हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारे पास दो आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे, दो इक्वलेंट ग्रुप्स हैं, उनकी पोजिशन को बेरी करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं होगी बट आइडेंटिकल भी नहीं होगी वो, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह के ऑपरेशन को हम सिमेट्रिकल ऑपरेशन बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम सिमेट्रिकल एलिमेंट्स की। तो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे हमें एक पॉइंट हो सकता है, एक लाइन हो सकती है मॉलिक्यूल में, एक प्लेन हो सकता है जिसके थ्रू रोटेशन होगी, या फिर लाइन के थ्रू रोटेशन होगी, प्लेन के थ्रू रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह से इन डिपेंड करता है हमारे पास किस तरह का सिमेट्रिकल एलिमेंट्स है। तो हमारे पास जो टोटल जो है वो पांच सिमेट्रिकल एलिमेंट्स रहते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और उनसे क्या ऑपरेशन और क्या काम लेते हैं हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ऑपरेशन जो आता है दैट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ही ये है कि नथिंग मतलब सेम, नथिंग डूइंग मतलब सेम, इस ऑपरेशन को करने का मतलब ही नहीं है। तो इट मीन्स कि ये एक ऐसा सिमेट्रिकल ऑपरेशन है जो लगभग हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। आइडेंटिटी मीन्स कि उसकी खुद की पहचान,
जैसा वो है वैसा ही। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम आइडेंटिटी बोलते हैं, और इसके अप्लाई करने से मॉलिक्यूल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल की सिमेट्री पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम सिंपल से ई से डोनेट करते हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करते हैं, दैट इज एन फोल्ड सिमेट्रिकल एक्सिस। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्सिस के थ्रू ऑब्वियसली है रोटेशन होने वाली है, रोटेशन प्रॉपर रोटेशन, रोटेशन होगी बाय 2π/n एंगल से, और इसको हम डोनेट करते हैं सी एन से। यहाँ पे जो एन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इक्वलेंट एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने मॉलिक्यूल के अंदर इक्वलेंट एटम होंगे उतना ही इस एक्सिस का डिग्री रहेगी और फोल्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो मीन्स की एन यहाँ पे इक्वलेंट एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन की, मिरर प्लेन की। तो प्लेन के थ्रू हमें पता है रिफ्लेक्शन होती है, तो ये मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा रिफ्लेक्शन प्लेन होगा जो कि इक्वलेंट एटम को एक्सचेंज करके बताएगा, ठीक है। होगा तभी अगर मॉलिक्यूल के पास इक्वलेंट एटम प्रेजेंट हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साथ। नेक्स्ट जो सिमेट्री एलिमेंट्स है दैट इज सेंटर ऑफ इन्वर्जन, और नाम से क्लियर हो रहा है कि मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एक ऐसा सेंटर होगा जिसके थ्रू इन्वर्जन हो जाएगी और मॉलिक्यूल का उल्टापन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होगी, इन्वर्जन होती है, इन्वर्जन मतलब उल्टा होना, एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस तरह से इन्वर्जन होगी और इसको हम डोनेट करते हैं आई के साथ। नेक्स्ट और फिफ्थ सिमेट्री एलिमेंट, एन फोल्ड एक्सिस ऑफ इनप्रॉपर रोटेशन एक्सिस। इसको हम इनप्रॉपर रोटेशन एक्सिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो सिमेट्रिकल ऑपरेशन साथ में ऑपरेट होते हैं। फर्स्ट रोटेशन होगी हमारे पास 2π/n के साथ, देन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। तो पहले रोटेशन करनी पड़ेगी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाता है, देन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, तब हमें उसकी आइडेंटिकल इमेज मिलती है, इक्विवेलेंट इमेज मिलती है। तो इसको हम SN के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करते हैं, दैट इज आइडेंटिटी। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आइडेंटिटी का मतलब है नथिंग डूइंग, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मॉलिक्यूल की जैसी आइडेंटिटी है उसी को लिख देते हो, तो वो क्या है, उस मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी है। कुछ भी नहीं कर रहे हो, मॉलिक्यूल सेम रहेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो ऑपरेशन है वो लगभग सभी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। तो जो आइडेंटिटी है उसका मैट्रिक्स इक्वेशन इस तरह से रहेगी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि जो 1-1 है वो डायगोनल्स होता है सिमेट्रिकल। इस तरह की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड सिमेट्री ऑपरेट एलिमेंट्स की और ऑपरेशन की, दैट इज प्रॉपर रोटेशन, और जिसको हम सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एन है वो इक्वलेंट एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो एक तरह से ये एक एक्सिस होगी, इसमें आप रोटेशन क्लॉकवाइज भी कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। क्लॉकवाइज कर रहे हो तो देन आप क्लॉकवाइज ही रोटेशन करोगे, और एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेशन करोगे, कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है, क्लॉकवाइज करनी है तो मॉलिक्यूल जब भी आप जिंदगी में कभी भी यूज करते हो तो क्लॉकवाइज ही करना, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ही करना, क्लॉकवाइज लेके नहीं आना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैसे भी रोटेट कर सकते हो। तो इस तरह से इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रहेगी, ओनली जेड एक्सिस के थ्रू हम इसको रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सिमेट्री ऑपरेशन प्रॉपर एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास दो इक्विवेलेंट मॉल एटम्स होंगे तब हम इसको C2 लिखेंगे, क्योंकि एन की जगह पे 2 आएगा, हमारे पास दो, एक ये और एक ये इक्विवेलेंट एटम है। तो इस तरह से जो इसका एंगल हो जाएगा वो 180 हो जाएगा, और इसको हम बोल देंगे सेकंड फोल्ड रोटेशन एक्सिस और C2। इसके थ्रू क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूल को 1 टाइम 180 से रोटेट करते हैं, तो हमें इक्विवेलेंट सिमेट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं C3 ऑपरेशन की और रोटेशन। तो C3 में आप जो एंगल फाइंड आउट करोगे दैट इज इक्वल टू रहेगा 120, और इसमें क्या होगा, 3 इक्वलेंट एटम होंगे मॉलिक्यूल के अंदर। तो आप देख सकते हो जो स्टार मार्क है इसको हम रोटेट कर रहे हैं, और इसमें 3-fold रोटेशन एक्सिस रहेगी। तो इसको आप जब रोटेट करोगे तो फर्स्ट रोटेशन इस तरफ को की जा रही है, अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो फर्स्ट रोटेशन करोगे तो ये रोटेट होता हुआ मॉलिक्यूल इस एक्सिस के थ्रू यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे था और यहाँ पे पहुंच गया। तो इस तरह से फर्स्ट रोटेशन पे यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट एक रोटेशन और करोगे तो ये मॉलिक्यूल इस तरफ आएगा। तो इस तरह से आपके पास ये मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुंच गया,
और अगर आप फर्स्ट मॉलिक्यूल पे ही इनवर्स मीन्स कि आप इस तरफ क्लॉकवाइज जा रहे थे तो इस तरफ से आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो जो आपको लास्ट थर्ड थर्ड जो इमेज मिली थी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये C3 था। अगर आपके पास फोर फोर इक्विवेलेंट एटम होते हैं तो C4 एक्सिस रहेगी और फोर फोल्ड्स रहेंगे। ठीक है, और उसी तरह से उसका एंगल भी चेंज हो जाएगा, 5 होंगे तो 5 हो जाएगा, 6 होगा तो सॉन चलता जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन नंबर्स के लिए। तो जैसे हम इस मॉलिक्यूल में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास फोर इक्विवेलेंट है, ए वी सी एंड डी, फोर इक्विवेलेंट एटम्स हैं इसमें। तो इसमें जो फर्स्ट रोटेट करेंगे हम तो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद क्या होगा, जो ए होगा वो वी की जगह पे आ जाएगा। आप देख सकते हो ए जो है वो बी की जगह पे आ गया। ठीक है, सेकंड टर्म पे करोगे तो जो ए था वो रोटेट होता हुआ सी की टर्म पे, सी की पोजीशन पे पहुंच गया। नेक्स्ट टाइम फिर से रोटेट करोगे तो ये रोटेट होता हुआ डी की जगह पे आ गया, इस जगह पे पहुंच गया है डी की जगह पे। नेक्स्ट टाइम फर्दर रोटेट करते हो तो ये अपनी ही पोजीशन पे पहुंच गया है। इट मीन्स कि अगर किसी प्रॉपर रोटेशन एक्सिस की बात करते हैं तो उसमें अगर फोर फोल्ड्स हैं तो हम फोर टाइम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, तो जब फोर्थ टाइम वो पहुंचेगा तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा। फोर रोटेशन के बाद वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, अगर C3 की बात करते हो तो तीन रोटेशन के बाद वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ फोल्ड्स रहेंगे उतने ही टाइम्स हम मॉलिक्यूल को एक्सिस के थ्रू रोटेट करते हैं तो हमें आइडेंटिकल ऑपरेशन और आइडेंटिकल इक्विवेलेंट इमेज मिल जाती है।